तो आज का स्टोरी है द एडवेंचर। इसको लिखा है जयंत नार्लिकर ने। तो स्टोरी शुरू करने से पहले एक बेसिक बात है यहाँ पर कि ये होता क्या है कि स्टोरी में एक इंसान है जिनका नाम है प्रोफेसर गंगाधर पंत गैतोंदे। ठीक है, प्रोफेसर गंगाधर पंत गैतोंदे ये एक हिस्टोरियन है। इनका क्या होता है कि एक ट्रक के साथ एक्सीडेंट हो जाता है और ट्रक के साथ एक्सीडेंट होते ही ये एक दूसरे वर्ल्ड में चले जाते हैं। सिर्फ इतना याद कर लो फिलहाल के लिए कि दूसरे वर्ल्ड में चले जाते हैं। अब ये दूसरा वर्ल्ड है क्या, कैसे, क्या हुआ, ये बाद में क्लियर होगा। फिलहाल ये बात को दिमाग में रखो कि दूसरे वर्ल्ड में गए हैं। अब वो मान के कहानी पढ़ना शुरू करते हैं। तो स्टोरी ऐसे है, द जीजा माता एक्सप्रेस स्पेड अलोंग द पुणे बॉम्बे रूट कंसिडरेबली फास्टर देन द डेक्कन क्वीन। जीजा माता एक्सप्रेस एक ट्रेन का नाम है, वो बॉम्बे पुणे रूट से चले जा रही है बहुत ही तेज डेक्कन क्वीन के तुलना में। डेक्कन क्वीन भी एक ट्रेन का ही नाम है। देयर वर नो इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स आउटसाइड पुणे, और पुणे के बाहर कोई इंडस्ट्रियल एरिया नहीं था जहाँ पे इंडस्ट्री हो। द फर्स्ट स्टॉप, ट्रेन पहली बार कहाँ पर रुका, लोनावाला पे रुका। केम इन 40 मिनट्स, वो 40 मिनट में आ गया वो लोनावाला। द घाट सेक्शन डेट फॉलोड वॉज नो डिफरेंट फ्रॉम वॉट ही न्यू, और लोनावाला के बाद जो घाट एरिया जो आया, घाट का एरिया, वो जो उसको पता था उससे कुछ अलग नहीं था। ये भी दूसरा वर्ल्ड में आ गया है ना, तो जो उसको पता था उससे ये अलग नहीं था, वैसा ही था। द ट्रेन स्टॉप्ड एट करजात ओनली ब्रीफली, और करजात में जाके ट्रेन थोड़ी देर के लिए रुकी। एंड वेंट ऑन एट इवन ग्रेटर स्पीड, और उसके बाद और तेज़ हो गई। इट रोड थ्रू कल्याण, और कल्याण से एकदम रफ्तार पकड़ ली, बहुत तेज आगे निकल गई। मीनवाइल द रेसिंग माइंड ऑफ प्रोफेसर गैतोंदे, और तभी ट्रेन में बैठे हुए प्रोफेसर गैतोंदे, इनका पूरा नाम क्या है, प्रोफेसर गंगाधर पंत गैतोंदे, ठीक है, इनका दिमाग अब क्या सोच रहा हैड अराइव एट अ प्लान ऑफ एक्शन इन बॉम्बे। वो अब सोचने लगे कि बॉम्बे में हम क्या करेंगे जाके। बॉम्बे पुराना नाम है, अभी नया नाम क्या हो गया है, मुंबई। इंडीड एज ए हिस्टोरियन, और वो एक हिस्टोरियन थे, ही फेल्ट ही शुड हैव थॉट ऑफ इट सूनर, उनको लगा कि मेरे को इसके बारे में पहले ही सोच लेना चाहिए था कि मुझे बॉम्बे में क्या करना है। ही वुड गो टू अ बिग लाइब्रेरी, उनको जाना था एक बिग लाइब्रेरी में एंड ब्राउज थ्रू हिस्ट्री बुक्स, और उनको हिस्ट्री बुक्स कुछ पढ़ना था। दिस वॉज द श्योरेस्ट वे ऑफ फाइंडिंग आउट हाउ द प्रेजेंट स्टेट ऑफ अफेयर्स वॉज रीच्ड, उनको पता था कि अगर हम हिस्ट्री बुक्स पढ़ेंगे तो उनको पता चल जाएगा कि आज का जो शहर है वो कैसे हुआ शहर का ये हालत पहले का हिस्ट्री बुक पढ़ के। ही ऑल्सो प्लान इवेंचुअली टू रिटर्न टू पुणे, और उन्होंने प्लान बना लिया कि हम वापस आएंगे पुणे में एंड हैव अ लॉन्ग टॉक विथ राजेंद्र देशपांडे, और बातें करेंगे राजेंद्र देशपांडे तक। तो अभी तक कहानी में दो कैरेक्टर्स आए हैं, एक प्रोफेसर गंगाधर पंत गैतोंदे और एक राजेंद्र देशपांडे, वो पुणे में है। हु वुड श्योरली हेल्प हिम अंडरस्टैंड व्हाट हैड हैपेंड, जो उनका मदद करेंगे उनके साथ हुआ क्या ये समझने में। दैट इज अज्यूमिंग दैट इन दिस वर्ल्ड देयर एग्जिस्टेड समवन कॉल्ड राजेंद्र देशपांडे, ये मान लिया जाए कि अभी राजेंद्र देशपांडे बल्कि कोई एक इंसान है इस दुनिया में। द ट्रेन स्टॉप बियॉन्ड द लॉन्ग टनल, एक लंबी सुरंग के बाद ट्रेन रुक गई। इट वॉज अ स्मॉल स्टेशन कॉल्ड सरहद, वो स्टेशन का नाम था सरहद। एन एंग्लो इंडियन इन यूनिफॉर्म वेंट थ्रू द ट्रेन चेकिंग परमिट्स, और एक एंग्लो इंडियन वो ट्रेन में घुसे और सबका परमिट चेक करने लग गए। अब ये इन्वर्टेड कॉमा में लिखा हुआ है, दिस इज वेयर द ब्रिटिश राज बिगिंस, यू आर गोइंग फॉर द फर्स्ट टाइम आई प्रिज्यूम, खान साहेब आस्क्ड। तो खान साहेब एक को पैसेंजर है, तीसरा कैरेक्टर आ गया कहानी में, ठीक है। वो ट्रेन का बोगी में बैठे हुए हैं और पूछते हैं लेखक से, हिस्टोरियन से, कि आप यहीं से ब्रिटिश राज शुरू होता है, ब्रिटिश का राज, और आप, मुझे लग रहा है कि आप पहली बार यहाँ पर जा रहे हैं। तो येस द रिप्लाई वॉज फैक्चुअली करेक्ट, तो ये गंगाधर पंत रिप्लाई देते हैं कि हाँ हाँ पहली बार जा रहे हैं। गंगाधर पंत हैड नॉट बीन टू दिस बॉम्बे बिफोर, ये बॉम्बे में तो गंगाधर पंत पहले कभी नहीं गए हैं इस वर्ल्ड में, ठीक है, पहले वो भले ही गए होंगे। एंड ही वेंचर्ड अ क्वेश्चन, और उन्होंने क्वेश्चन पूछ दिया, एंड खान साहिब हाउ विल यू गो टू पेशावर, और उनसे पूछते हैं खान साहिब से कि आप पेशावर कैसे जाइएगा। दिस ट्रेन, तो वो खान साहिब जवाब देते हैं, दिस ट्रेन गोज टू विक्टोरिया टर्मिनस, बोलते हैं कि ये ट्रेन विक्टोरिया टर्मिनस तक जाती है। अभी विक्टोरिया टर्मिनस का नाम बदलकर कर दिया गया है, नीचे लिखा है छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, ठीक है, ये मुंबई में है। तो बोलते हैं कि ये ट्रेन वहाँ तक जाएगी, और आई विल टेक द फ्रंटियर मेल टू नाइट आउट ऑफ सेंट्रल, और वहाँ से फ्रंटियर मेल पकड़ लेंगे। तो प्रोफेसर गैतोंदे पूछते हैं,
हाउ फार डज इट गो बाय व्हाट रूट, मतलब कि ये ट्रेन कितने दूर जाएगी और किस रास्ते से जाएगी। तो खान साहिब जवाब देते हैं, बॉम्बे टू दिल्ली देन टू लाहौर। फ्रंटियर मेल से बॉम्बे से दिल्ली तक जाएंगे और फिर दिल्ली से लाहौर तक जाएंगे और उसके बाद पेशावर तक जाएंगे। और लॉन्ग जर्नी, काफ़ी लंबा सफ़र होगा ये। आई विल रीच पेशावर द डे आफ्टर टुमारो, और पेशावर हम जाके परसों पहुँचेंगे। यहाँ तक बात क्लियर है, आगे देखें। देयर आफ्टर खान साहिब स्पोक अ लॉट अबाउट हिज बिजनेस एंड गंगाधर पंत वॉज अ विलिंग लिसनर। खान साहिब फिर अपने बिजनेस के बारे में बात करने लगे और गंगाधर पंत काफ़ी उत्सुकता से सुनने लगे। क्यों सुनने लगे? फॉर इन दैट वे ही वॉज एबल टू गेट सम फेवर ऑफ लाइफ इन दिस इंडिया, क्योंकि उनको नया नया बातें पता चल रहा था उस इंडिया के बारे में, वो एक नया वर्ल्ड है उसमें। दैट वॉज सो डिफरेंट, काफ़ी अलग था वो इंडिया उस समय। द ट्रेन नाउ पास थ्रू द सब अर्बन रेल ट्रैफिक, अब ट्रेन पास करने लगा सब अर्बन रेल ट्रैफिक से। द ब्लू कैरेजेस कैरीड द लेटर्स GBMR ऑन द साइड, और बोगी सब में लिखा हुआ था GBMR। GBMR का मतलब होता है ग्रेटर बॉम्बे मेट्रोपॉलिटन रेलवे, एक्सप्लेन खान साहिब। खान साहिब बोलते हैं कि GBR का मतलब ये है, सी द टाइनी यूनियन जैक पेंटेड ऑन ईच कैरेज, बोले कि देखो यूनियन जैक मतलब वो यूके का झंडा, ठीक है, स्टार वाला, देखो वो सब लगा हुआ है। अ जेंटल रिमाइंडर डेट वी आर इन द ब्रिटिश टेरिटरी, ये हमें याद दिलाता है कि हम ब्रिटिश टेरिटरी में हैं, उनका इलाका में है। द ट्रेन बिगेन टू स्लो डाउन बियॉन्ड दादर एंड स्टॉप्ड ओनली एट इट डेस्टिनेशन विक्टोरिया टर्मिनस, तो ट्रेन धीरे धीरे स्लो होने लगी दादर से और जाकर रुक गई कहाँ पर, विक्टोरिया टर्मिनस। द स्टेशन लुक्ड रिमार्केबली नीट एंड क्लीन, स्टेशन काफ़ी साफ सुथरा था। द स्टाफ वॉज मोस्टली मेड अप ऑफ एंग्लो इंडियंस एंड पारसीज एलॉन्ग विद अ हैंडफुल ऑफ ब्रिटिश ऑफिसर्स, और स्टाफ एंग्लो इंडियंस थे, पारसीज थे और कुछ ब्रिटिश ऑफिसर्स थे। एज ही इमर्ज फ्रॉम द स्टेशन, जैसे ही स्टेशन पर आए वो, गंगाधर पंत फाउंड हिमसेल्फ फेसिंग एन इम्पोजिंग बिल्डिंग, गंगाधर को क्या देखने को मिल गया, एक बहुत ही बड़ा खूबसूरत सा बिल्डिंग देखने को मिल गया। द लेटर्स ऑन इट प्रोक्लेम्ड, और उसमें लिखा हुआ था इट्स आइडेंटिटी टू दोज हु डिड नॉट नो दिस बॉम्बे लैंडमार्क, उस बिल्डिंग में लिखा था ईस्ट इंडिया हाउस हेडक्वार्टर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। जानते हो, अगर हिस्ट्री थोड़ा सा पढ़े होंगे तो ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में जानते होंगे। प्रिपेयर्ड एज ही वॉज फॉर मैनी शॉक्स, अब गंगाधर पंत तो पहले से तैयार थे कि बहुत चीज़ नया देखने को मिलेगा, काफ़ी शौक लगेगा उनको। प्रोफेसर गायतोंदे डिड नॉट एक्सपेक्ट दिस, लेकिन ये शौक के लिए वो तैयार नहीं थे कि उनको ईस्ट इंडिया कंपनी देखने को मिलेगा। द ईस्ट इंडिया कंपनी हैड बीन वॉर्न्ड अप शॉर्टली आफ्टर द इवेंट्स ऑफ 1857, 1857 का काफ़ी रिवोल्ट ऑफ 1857 काफ़ी फेमस है, उसके बाद ही ईस्ट इंडिया कंपनी को बंद कर दिया गया था। एटलीस्ट दिस इज दैट इज़ वॉट हिस्ट्री बुक सेज, ऐसा तो हिस्ट्री बुक में भी लिखा हुआ है। येट हेयर इट वॉज, लेकिन अभी तो मेरे को देखने को मिल रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी नॉट ओनली अ लाइफ बट फ्लरिशिंग, ना ही सिर्फ देखने को मिल रहा है बल्कि आगे आगे बढ़ रहा है ये, ठीक है, तरक्की कर रहा है। सो हिस्ट्री हैड टेकन अ डिफरेंट टर्न पर हैव्स बिफोर 1857, तो यहाँ पर हिस्ट्री भी कुछ अलग ही टर्न ले मोड़ ले लिया था। हाउ एंड वेन हैड इट हैपन्ड ही हैड टू फाइंड आउट, तो हिस्ट्री कैसे चेंज हुआ यहाँ पर यही उसको पता करना था। एज ही वॉकड अलॉन्ग हॉर्नबी रोड एज इट वॉज कॉल्ड ही फाउंड अ डिफरेंट सेट ऑफ शॉप्स एंड ऑफिस बिल्डिंग, तो जैसे जैसे हॉर्नबी रोड पर वो जा रहे थे अलग अलग टाइप का दुकान और बिल्डिंग देखने को मिला। देयर वॉज नो हैंडलूम हाउस बिल्डिंग, वहाँ पर कोई भी हाथ से चलाने वाला, समझते हो, कपड़ा उद्योग नहीं देखने को मिला। इंस्टेड देयर वर बूट्स एंड हैंड वूलवर्थ डिपार्टमेंटल स्टोर्स, तो बूट और वूलवर्थ के दुकान थे। इम्पोजिंग ऑफिसेस ऑफ लॉयड्स बार्कलीज एंड अदर ब्रिटिश बैंक्स, और बड़े बड़े ऑफिस थे ब्रिटिश के, एज इन अ टिपिकल हाई स्ट्रीट ऑफ अ टाउन इन इंग्लैंड, ठीक लग रहा था कि इंग्लैंड का कोई शहर रोड पे वो चल रहे हैं, इंडियन कुछ भी नहीं लग रहा था। ही टर्न राइट, फिर राइट मुड़ते हैं वो अलॉन्ग होम स्ट्रीट एंड एंटर्ड फॉर्ब्स बिल्डिंग, और एक बिल्डिंग में ढुक जाते हैं जिसका नाम है फॉर्ब्स, और जाके बोलते हैं आई विश टू मीट मिस्टर विनय गायतोंडे प्लीज, क्योंकि मुझे मिस्टर विनय गायतोंडे से मिलना है। अब विनय गायतोंडे कौन है, ये गंगाधर पंत गायतोंडे के बेटे हैं ये, ठीक है। ही सेड टू द इंग्लिश रिसेप्शनिस्ट को बोलते हैं, सी सर्च थ्रू द टेलीफोन लिस्ट, वो टेलीफोन लिस्ट में सर्च करती है, द स्टाफ लिस्ट, उसके बाद स्टाफ लिस्ट में सर्च करती है, एंड देन थ्रू द डायरेक्टरी ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ ऑल द ब्रांचेस ऑफ द फर्म, उसके बाद वो फर्म का जितना भी ब्रांचेस है सब में सर्च करती है वो,
और फिर शी शूक हर हेड एंड सेड, और सिर हिलाते हुए बोलती है, आई एम अफ्रेड आई कांट फाइंड एनी वन ऑफ दैट नेम आइदर हेयर और इन एनी ऑफ आवर ब्रांचेस। लेकिन मुझे दुख है कि इस नाम का कोई इंसान हमारे यहाँ या फिर कोई भी ब्रांच में काम नहीं करता है। आर यू श्योर ही वर्क्स हेयर, आपको पक्का यकीन है वो यहीं पर काम करते हैं? तो दिस वॉज अ ब्लो, ये एक झटका था उनके लिए, नॉट टोटली अनएक्सपेक्टेड, लेकिन ये एक्सपेक्टेड था उनको, ये झटका एक्सपेक्टेड था, क्योंकि वो दूसरा वर्ल्ड में आ चुके हैं। क्या पता उस जमाने वो जिंदा रहे भी हो या भी ना रहे हो, ठीक है, उस वर्ल्ड में, उस टाइम में। वही लिखा हुआ यहाँ पर कि इफ़ ही हिमसेल्फ वर डेड इन दिस वर्ल्ड, व्हाट गारंटी हैड ही दैट हिज सन वुड बी अलाइव। हो सकता है कि उस जमाने में या फिर उस वर्ल्ड में वो खुद ही मरे हुए हो, तो इसका क्या गारंटी उसका कि उसका बेटा भी जिंदा होगा। समझे ये लाइन को? इनडीड ही मे नॉट इवन हैव बीन बॉर्न, हो सकता है उनका बच्चा या फिर वो पैदा भी ना हुए हो। ही थैंक द गर्ल पोलाइटली, वो लड़की को थैंक यू बोलते हैं, एंड केम आउट, और निकल आते हैं। इट वॉज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हिम नॉट टू वरी अबाउट वेयर ही वुड स्टे, और ये उनका गुण था कि वो कभी भी टेंशन नहीं लेते थे कि मेरे को कहाँ ठहरना है। हीज मेन कंसर्न वॉज टू मेक हीज वे टू द लाइब्रेरी, उनका एक ही कंसर्न था कि लाइब्रेरी में जाना है ऑफ द एशियाटिक सोसाइटी टू सॉल्व द रिडल ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री का गुत्थी को सुलझाने के लिए। ग्रैबिंग अ क्विक लंच एट अ रेस्टोरेंट ही मेड हीज वे टू द टाउन हॉल, और छोटा सा खाना खाने का, थोड़ा खाना खाने का बाद वो टाउन हॉल की तरफ चले गए। येस टू हिज रिलीफ द टाउन हॉल वॉज देयर, तो उनको कुछ खुशी हुआ टाउन हॉल को देखकर, वो था वहाँ पे उस जमा उस वर्ल्ड में भी। एंड इट डिड हाउस द लाइब्रेरी, और उसमें एक लाइब्रेरी भी था। ही एंटर्ड द रीडिंग रूम में ढूके एंड आस्क फॉर अ लिस्ट ऑफ हिस्ट्री बुक्स इंक्लूडिंग हिज ओन, और कुछ हिस्ट्री बुक्स को के लिए वो बोलते हैं, और वो खुद भी एक हिस्टोरियन है, तो बोलते कि मेरा बुक भी लेते आओगे कुछ, ठीक है, समझे यहाँ तक। हिज फाइव वॉल्यूम्स ड्यूली अराइव्ड ऑन हिज टेबल, तो हिस्ट्री का 5 बुक आ गया उनके पास। ही स्टार्टेड फ्रॉम द बिगनिंग, शुरू से वो शुरू किए। वॉल्यूम 1 टुक द हिस्ट्री अप टू द पीरियड ऑफ अशोका, वॉल्यूम 1 पहला बुक तो जो था वहाँ पे हिस्ट्री अशोका का हिस्ट्री तक गया। वॉल्यूम 2 अप टू समुद्रगुप्ता, वॉल्यूम 2 में समुद्रगुप्ता तक पढ़े, फिर वॉल्यूम 3 में मोहम्मद घोरी तक, एंड वॉल्यूम 4 अप टू द डेथ ऑफ औरंगजेब, और औरंगजेब की मौत तक वॉल्यूम 4 तक हो गया। यहाँ तक हिस्ट्री, अप टू दिस पीरियड हिस्ट्री वॉज एज ही न्यू इट, यहाँ तक वो जो भी हिस्ट्री पढ़ा वो उसको पहले से मालूम था, एक्सपेक्टेड था कि चलो ये हो रहा है। द चेंज एविडेंटली हैड ऑकर्ड इन द लास्ट वॉल्यूम, चेंज कहाँ पर हुआ? लास्ट वॉल्यूम में, 5 वॉल्यूम में। रीडिंग वॉल्यूम 5 फ्रॉम बोथ एंड इनवर्ड्स, गंगाधर पंत फाइनली कन्वर्ज ऑन द प्रिसाइज मोमेंट वेयर हिस्ट्री हैड टेकन अ डिफरेंट टर्न, तो वो बुक पूरा पढ़ने का बाद, 5th वॉल्यूम पूरा पढ़ने का बाद गंगाधर पंत को पता चला कि हिस्ट्री कुछ अलग ही मोड़ ले लिया है यहाँ पर। वो पेज क्या था? डैट पेज इन द बुक डिस्क्राइब द बैटल ऑफ पानीपत, उसमें बैटल ऑफ पानीपत का बारे में जिक्र था। पानीपत का 3 लड़ाई हुआ था, तुम लोग को याद होगा, पहला लड़ाई जो हुआ था 1526 में, दूसरा हुआ था 1556 में, और तीसरा हुआ था 1761 में। तो यहाँ पर तीसरा वाला का बात हो रहा है, ठीक है, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। तो इसमें लिखा हुआ था एंड इट मेंशन दैट द मराठास वॉन इट हैंडसमली, और उसमें लिखा हुआ था कि वो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत कौन जीता है? मराठा। लेकिन असलियत में कौन जीता है? अफगान लोग जीता है, अफगान फोर्सेस ऑफ अहमद साबदली जीता है, ठीक है। लेकिन इस 5th वॉल्यूम में, इस वर्ल्ड में लिखा हुआ है कि मराठा जीता। अब्दली वॉज रूटेड, अब्दली बुरी तरह हार गया, इसमें लिखा था, एंड ही वॉज चेस्ड बैक टू काबुल बाई द ट्रैम्प्ड मराठा आर्मी लेड बाई सदाशिवराव भाऊ एंड हिज नेफ्यू यंग विश्वासराव। तो अब्दली को बुरी तरह हराया गया, और हराया कौन? सदाशिवराव भाऊ एंड उसका भतीजा विश्वासराव, ये दो लोग हराया था अब्दली को। लेकिन ओरिजिनल में ठीक इसका ऑपोजिट हुआ था। द बुक डिड नॉट गो इन टू द ब्लो बाई ब्लो अकाउंट ऑफ द बैटल इटसेल्फ, बुक में पूरा मेंशन नहीं था कि ये कैसे हारा। रैदर इट इलेबोरेटेड इन डिटेल इट्स कॉन्सिक्वेंसेज फॉर द पावर स्ट्रगल इन इंडिया, उसमें सिर्फ डिटेल में लिखा हुआ था कि हारने का बाद कैसा पावर स्ट्रगल हुआ, कौन सत्ता चलाएगा, इसके बारे में जिक्र था। गंगाधर पंत रेड थ्रू द अकाउंट एविडली, काफ़ी उत्सुकता से वो अकाउंट पढ़ते रह गए वो। द स्टाइल ऑफ राइटिंग वॉज अनमिस्टेकेबली हिज, और उसका लिखने का तरीका वो बुक में ठीक उसके जैसा ही था। येट ही वॉज रीडिंग द अकाउंट फॉर द फर्स्ट टाइम, लेकिन वो बुक को पहली बार वो पढ़ रहा था क्योंकि वो दूसरे वर्ल्ड में था।
Their victory in the battle was not only a great morale booster to the Marathas, but it also established their supremacy in northern India. तो जैसा कि बुक में लिखा हुआ था, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत कौन जीता? पानीपत मराठास लोग जीत गया. तो जीतने के बाद से काफ़ी मोरल क्या हो गया, बूस्ट हो गया, कॉन्फिडेंस आ गया उन लोगों में, और उनका सुप्रीमेसी नॉर्दर्न इंडिया में काफ़ी बढ़ गया. द ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि समझ लो अंग्रेज था, विच हैड बीन वॉचिंग दिस डेवलपमेंट फ्रॉम द साइड लाइन्स, गॉट द मैसेज एंड टेम्पररली सेल्ड इट्स एक्सपेंशनिस्ट प्रोग्राम. उनको भी समझ में आ गया कि अभी कुछ भी करना ठीक नहीं होगा, और उन जो एक्सपैंड कर रहे थे, हर एरिया को कैप्चर कर रहे थे, वो थोड़े दिन के लिए क्या कर दिया, रोक दिया ईस्ट इंडिया कंपनी मराठा का पावर देखकर. फॉर द पेशवास द इमीडिएट रिजल्ट वॉज एन इंक्रीज इन द इन्फ्लुएंस ऑफ बाबू साहेब एंड विश्वास राव. और जहाँ तक पेशवा का सवाल था, ठीक है, उन क्या हुआ वहाँ पर, बाबू साहेब और विश्वास राव का पावर काफ़ी बढ़ गया. और विश्वास राव क्या किया, सक्सीडेड हिज फादर इन 1780 AD, और उसके पिता जब मर गए विश्वास राव के, तो वही राजा बन गए. द ट्रबल मेकर, और एक जो इंसान था जो काफ़ी हस्तक्षेप करता था, दादा साहेब, वॉज रिलीगेटेड टू द बैकग्राउंड. उनका पोजिशन डाउनग्रेड कर दिया गया, कुछ नीचा पद दे दिया गया, एंड ही इवेंचुअली रिटायर्ड फ्रॉम स्टेट पॉलिटिक्स. और बाद में जाके दादा साहेब भी क्या हो गए, रिटायर कर गए. यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, आगे देखते हैं. टू इट्स डिसमे द ईस्ट इंडिया कंपनी मेट इट्स मैच इन द न्यू मराठा रूलर विश्वास राव. और ईस्ट इंडिया कंपनी को का पाला फिर किससे पड़ गया, विश्वास राव से. ही एंड हिज ब्रदर माधव राव, और विश्वास राव और उसका भाई कौन है, माधव राव, कंबाइंड पॉलिटिकल एक्यूमेंट विथ वैल्यूर. उन लोगों ने कंबाइन कर दिया, पॉलिटिकल एक्यूमेंट मतलब मेंटल शार्पनेस, पॉलिटिक्स के मामले में काफ़ी दिमाग तेज था दोनों का, और बहादुरी से जोड़ दिया दोनों चीज़ को, एंड सिस्टमेटिकली एक्सपेंडेड देयर इन्फ्लुएंस ऑल ओवर इंडिया, और पूरे इंडिया पर अपना एक्सपेंशन करने लग गए. द कंपनी वॉज रिड्यूस टू पॉकेट्स ऑफ इन्फ्लुएंस नियर बॉम्बे, कलकत्ता एंड मद्रास. और ईस्ट इंडिया कंपनी का सिर्फ कहाँ तक सिमट के रख गया, बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास तक. मद्रास का नया नाम किसको याद है, चेन्नई. जस्ट लाइक इट्स यूरोपियन राइवल्स द पोर्चुगीज एंड द फ्रेंच. जैसा कि पोर्चुगीज और फ्रेंच लोग थे, वैसा ही ईस्ट इंडिया कंपनी का भी हाल हो गया. फॉर पोलिटिकल रीजन्स द पेशवास केप द पपेट मुगल रिजाइम अलाइव इन दिल्ली. और राजनीतिक कारणों से पेशवा लोग क्या किए, मुगल लोग जो थे दिल्ली में, उनको रहने दिए, वहाँ पर हटाई नहीं उसको. इन द 19th सेंचुरी दिस डी फैक्टो रूलर्स फ्रॉम पुणे वर एस्ट्यूट इनफ टू रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ द टेक्नोलॉजिकल एज डॉनिंग इन यूरोप, डॉनिंग इन यूरोप. तो 19वीं सदी में ये जो डी फैक्टो मतलब असली में जो रूलर्स लोग थे पुणे के, मतलब पेशवा लोग, ये विश्वास राव और माधव राव, ये दोनों को पता चल गया, पहचान लिए लोग कि यूरोप में जो उस टाइम इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन चल रहा था, सोचे कि यहाँ पे भी करना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग बहुत पीछे छूट जाएंगे. ये लाइन समझ में आया. दे सेटअप देयर ओन सेंटर्स फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी. उन्होंने अपना सेंटर स्थापित कर दिया साइंस और टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए. हेयर द ईस्ट इंडिया कंपनी सॉ अनदर अपॉर्चुनिटी टू एक्सटेंड इट्स इन्फ्लुएंस. और तभी मौका मिल गया ईस्ट इंडिया कंपनी को कि अपना दबदबा फिर दिखाया जाए. इन्होंने क्या किया, इट ऑफर्ड एड एन एक्सपर्ट. इन्होंने सोचा कि चलो हम हेल्प कर देते हैं आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलप करने में. दे वेयर एक्सेप्टेड ओनली टू मेक द लोकल सेंटर सेल्फ सफिशियंट. और इनको मंजूरी भी था कि चलो ठीक है, आ जाओ हमारा हेल्प कर दो, ताकि हम लोग भी क्या करें, इंडस्ट्रियली डेवलप हो जाए. कहानी यहाँ तक क्लियर है, एक बार आगे बढ़ते हैं. द 20th सेंचुरी ब्रॉट अबाउट फर्दर चेंजेस इंस्पायर्ड बाई द वेस्ट. और 20वीं सदी में काफ़ी चेंजेस हुआ वेस्ट की तरह, वेस्ट को देख कर, वेस्टर्न साइड मतलब यूरोपियन कंट्रीज. इंडिया मूव टूवर्ड्स अ डेमोक्रेसी, इंडिया लोकतंत्र की तरफ बढ़ता चला गया. मतलब नेता को कौन इलेक्ट करेगा, पब्लिक, लोग वोट देकर. बाई देन द पेशवास हैड लॉस्ट देयर एंटरप्राइज. और उस समय तक पेशवा लोग का फिर दबदबा खत्म हो चुका था, एंड दे वेयर ग्रेजुअली रिप्लेस बाय द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड बॉडीज. और उनको रिप्लेस किया जा रहा था चुने हुए नेताओं से. द सल्तनत एट दिल्ली सर्वाइव्ड इवन दिस ट्रांजिशन. लेकिन दिल्ली में जो सल्तनत था वो अभी भी बचा हुआ था, लार्जली बिकॉज इट विल्डेड नो रियल इन्फ्लुएंस. वो इसलिए बचा हुआ था क्योंकि उसका कोई पावर ही नहीं था, कोई उसको हटाता भी था, वो भी किसी को हटाता नहीं था. द सहनशाह ऑफ दिल्ली वॉज नो मोर देन अ फिगर टू रबर स्टैम्प द रिकमेंडेशंस मेड बाई द सेंट्रल पार्लियामेंट. दिल्ली का जो सहनशाह था सिर्फ रबर थप्पा मारने के सिवा और कुछ काम नहीं बचा था.
मोहर मारने का सिवा। एज ही रेड ऑन, और जैसे जैसे गंगाधर पंत बुक पढ़ते गए, गंगाधर पंत बिगैन टू अप्रिशिएट द इंडिया ही हैड सीन। वो तारीफ करते गए क्या इंडिया है उस ज़माने का। इट वॉज अ कंट्री दैट हैड नॉट बीन सब्जेक्टेड टू स्लेवरी फॉर अ वाइट मैन। वो देश था जब वो अंग्रेज़ों के प्रति गुलामी नहीं करता था। इट हैड लर्न टू स्टैंड ऑन इट फीट। उसको पता था कि अपने पैरों पर खड़ा रहना है। एंड न्यू वॉट सेल्फ रेस्पेक्ट वॉज। और उस देश को पता था उस समय कि आत्मसम्मान क्या होता है। उस समय गुलाम नहीं बना था इंडिया। फ्रॉम अ पोजिशन ऑफ स्ट्रेंथ एंड फॉर प्योरली कमर्शियल रीजन इट हैड अलाउड द ब्रिटिश टू रिटेन द बॉम्बे एज द सोल आउटपोस्ट आउट ऑन द सब कॉन्टिनेंट। तो लिखा गया है कि सिर्फ व्यापारिक रीजन से ही ब्रिटिश को अलाउ किया गया था कि आप सिर्फ बॉम्बे में आइए और राज कीजिए थोड़ा। पूरा इंडिया में अलाउ नहीं था उसको। दैट लीज वॉज टू एक्सपायर इन द ईयर 2001 अकॉर्डिंग टू द ट्रीटी ऑफ 1908। और 1908 का एक संधि हुआ था, उसमें ये कब तक चलना था, ब्रिटिश को बॉम्बे आउटपोस्ट मिलने का एग्रीमेंट कब तक चलना था, 2001 तक चलना था उस वर्ल्ड में। गंगाधर पंत कुड नॉट हेल्प कंपेयरिंग द कंट्री ही न्यू विथ वॉट ही वॉज विटनेसिंग अराउंड हिम। तो गंगाधर पंत खाली कंपेयर किया जा रहा है कि ये देश अभी कैसा है और प्रेजेंट का देश अभी कैसा है, ये कंपेयर किया जा रहा है। बट एट द सेम टाइम, लेकिन साथ ही साथ, ही फेल्ट दैट हिज इन्वेस्टिगेशंस वर इनकम्प्लीट। उसको महसूस हुआ कि वो जो खोजने आया है वो अभी भी उसको नहीं मिला है। हाउ डिड द मराठाज विन द बैटल। वो सोचने लगा कि मराठा कैसे जीत गया वो बैटल। टू फाइंड द आंसर ही मस्ट लुक फॉर अकाउंट ऑफ द बैटल इटसेल्फ। वो इसका जवाब पाने के लिए वो पढ़ने चला गया कैसे युद्ध हुआ। ही वेंट थ्रू द बुक्स एंड जर्नल्स बिफोर हिम। वो आसपास बिखरे और बुक को देखा। एट लास्ट अमंग द बुक्स ही फाउंड वन डैट गेव हिम द क्लू। लास्ट में उसको एक बुक मिला जिसमें उसको क्लू मिल गया। और वो बुक का नाम अंडरलाइन करोगे, इट वॉज भाव साहेब और उस बुक का नाम था भाव साहेब बांची भाकर। ठीक है, ये बुक का नाम याद करना है। Although he seldom relied on the Bhakars for historical evidence, he found them entertaining to read. लेकिन ये लेखक को, ये प्रोफेसर गैटोंडे को भाकर का बुक एकदम ही पसंद नहीं था। वो रिलाई नहीं करते थे हिस्टोरिकल पर्पस के लिए, लेकिन उनको मज़ा आता था ये बुक पढ़कर। Sometimes buried in the graphic but doctored accounts, he could spot the germ of truth. और कभी कभी उनको सच्चाई इसमें दिखता था। इसमें कुछ डॉक्टर डेकन मतलब बना चला के लिखा गया था इस बुक में, इसलिए ये रिलाई नहीं करते थे इस पर। ही फाउंड वन नाउ इन अ थ्री लाइन अकाउंट ऑफ हाउ क्लोज विश्वास राव हैड कम टू बीइंग किल्ड। तो उनको एक चीज पढ़ने को मिला तीन लाइन में, कैसे विश्वास राव बच गए मरते। विश्वास राव याद है ना कौन था, नेफ्यू था। किसका नेफ्यू था? तो ये जो विश्वास राव था वो था नेफ्यू था सदाशिव राव का। ठीक है, तो ये लोग इसमें मेंशन था कि ये लोग थर्ड बैटल पानीपत में जीत गया ना। तो लिखा था कि कैसे जीत गया, देखो क्या लिखा हुआ है तीन लाइन में। एंड देन विश्वास राव गाइडेड हिज हॉर्स टू द मिली वेयर द एलिट ट्रूप्स वर फाइटिंग एंड ही अटैक देम। तो उसमें लिखा गया था कि कैसे विश्वास राव घोड़े पर सवार होकर ढुकते हैं वो झुंड में, भीड़ में, युद्ध में, और लड़ते हैं। एंड गॉड वॉज मर्सीफुल, और भगवान का दया था कि अ शॉट ब्रस्ट पास्ट हिज ईयर, एक बंदूक का गोली ठीक उसके कान के पास से निकल गया। इवन द डिफरेंस ऑफ अ तिल, समझते हो? नहीं, वो तिल नहीं, लाई वाला। ठीक है, तो उतना सा भी डिफरेंस अगर होता ना, तिल का भी डिफरेंस, वुड हैव लेड टू हिज डेथ, उसका मौत हो जाता, इतना इसे बारीकी से बचा वो। तो ये ठीक है, तो विश्वास राव ऐसे ही बच गया। और एट 8 o'clock द लाइब्रेरियन पोलाइटली रिमाइंडेड द प्रोफेसर डेट द लाइब्रेरी वॉज क्लोजिंग फॉर द डे। 8 बजे लाइब्रेरियन आते हैं और बोलते हैं कि अब लाइब्रेरी बंद करने का वक्त हो गया है। गंगाधर पंत इमर्ज फ्रॉम हिज थॉट। तो गंगाधर पंत अपने सोचों से निकलते हैं, विचारों से। लुकिंग अराउंड ही नोटिस दैट ही वॉज द ओनली रीडर लेफ्ट इन द मैग्निफिशेंट हॉल। और इधर उधर देखते हैं तो पता चलता है कि वो अकेले बचे हैं पूरा हॉल में।
आई बेग योर पार्डन सर, और बोलते हैं लाइब्रेरियन को कि मुझे माफ़ कीजिएगा सर, मे आई रिक्वेस्ट यू टू कीप दिस बुक्स हेयर फॉर माई यूज़ टुमारो मॉर्निंग। मतलब क्या आप ये सब बुक यहीं पर छोड़ दीजिएगा, क्योंकि कल सुबह भी आके हम इसको पढ़ेंगे। बाय द वे, व्हेन डू यू ओपन, आप खोलते कब है लाइब्रेरी को? तो लाइब्रेरियन जवाब देता है, एट 8 o'clock सर, मतलब कि हम 8 बजे खोलते हैं। द लाइब्रेरियन स्माइल्ड, ही वॉज अ यूज़र एंड रिसर्चर राइट आफ्टर हिज हार्ट। तो हेयर वॉज अ यूज़र एंड रिसर्चर राइट आफ्टर हिज हार्ट, क्योंकि उसके ठीक सामने एक पढ़ने वाला इंसान था। लाइब्रेरियन लोग को पढ़ने वाला इंसान काफ़ी पसंद आता है ना, तो उसको भी पसंद आया बहुत। एज अ प्रोफेसर फेल्ड लेफ्ट द टेबल, ही शोव्ड सम नोट्स इन टू हिज राइट पॉकेट। तो जैसे ही प्रोफेसर जा रहे थे, तो अनजाने में ही उन्होंने क्या किया, अनजाने में नहीं, कुछ नोट्स को अपने पॉकेट में रख लिया, राइट पॉकेट में, और एब्सेंट माइंडेडली, अब अनजाने में ही ऑल्सो शोव द भाकर इन टू हिज लेफ्ट पॉकेट। भाकर का बुक भी क्या किया, लेफ्ट पॉकेट में डाल दिया अनजाने में, और लाइब्रेरी से निकल गया। बात क्लियर है यहाँ तक? आगे देखते हैं। ही फाउंड अ गेस्ट हाउस टू स्टे इन, और बाहर निकलते ही उनको क्या मिल गया, वहाँ पर रहने का मिल गया। आई हैड अ फ्रूगल मील, और हल्का फुल्का खाना खा लिया। ही देन सेट आउट फॉर अ स्ट्रॉल टुवर्ड्स द आज़ाद मैदान, और फिर टहलने के लिए निकले कहाँ पर, आज़ाद मैदान। अब देखो कहानी यहाँ पे थोड़ा अच्छा लगेगा। इन द मैदान ही फाउंड अ थ्रॉन्ग मूविंग टुवर्ड्स अ पंडाल, और मैदान में जाके देखे कि एक भीड़ कहाँ पर जा रहा है, पंडाल का तरफ। सो अ लेक्चर वॉज टू टेक प्लेस, तो उन्हें समझ में आ गया कि क्या होने वाला है, पंडाल में लेक्चर दिया जाएगा। फोर्स ऑफ हैबिट टूक प्रोफेसर गेटोंडे टुवर्ड्स द पंडाल, और उनको आदत था भाषण सभा में जाने का, तो वो भी चले गए पंडाल की तरफ। द लेक्चर वॉज इन प्रोग्रेस, और देखे कि लेक्चर दिया जा रहा है। ऑल दो पीपल केप्ट कमिंग एंड गोइंग, लोग आ जा रहे थे, बट प्रोफेसर गेटोंडे वॉज नॉट लुकिंग एट द ऑडियंस, वो ऑडियंस की तरफ नहीं देखे। ही वॉज स्टेयरिंग एट द प्लेटफॉर्म, वो किधर देख रहे थे, मंच को देख रहे थे सीधा। एज इफ मेस्मराइज्ड, वो खो गए थे। दिस वॉज अ देयर वॉज अ टेबल एंड अ चेयर, बट अ लेटर वॉज अनऑक्युपाइड, वहाँ पे एक टेबल था, चेयर था, लेकिन चेयर क्या था, खाली था। तो ये देखकर उनको काफ़ी अजीब लगा। द प्रेसिडेंशियल चेयर अनऑक्युपाइड, बोलते कि ऐसा कैसे हो सकता है, प्रेसिडेंट का चेयर खाली। द साइट स्टर्ड हिम टू द डेप्थ, वो अंदर तक हिल गए। लाइक अ पीस ऑफ आयरन अट्रैक्टेड टू अ मैग्नेट, ही स्विफ्टली मूव टूवर्ड्स द चेयर, तो जैसे कि आयरन चुंबक में चिपकता है, वैसे ही वो भी चेयर की तरफ चले गए, मंच पे चढ़ गए वो। द स्पीकर स्टॉप्ड इन मिड सेंटेंस, तो इस वक्ता था जो बोलते बोलते रुक गया। टू शॉक टू कंटिन्यू, पूरा शॉक हो गया कि अरे कैसे कोई इंसान आके यहाँ पर बैठ सकता है। बट द ऑडियंस सून फाउंड वॉइस, लेकिन ऑडियंस तुरंत ही कुछ बोलने लग गए। देखो ऑडियंस लोग बोलते हैं वैकेट द चेयर, बोला कुर्सी खाली करो, मतलब ये गेटोंडे जाके प्रेसिडेंट के चेयर पर बैठ गए थे मंच पर, तो ऑडियंस बोलते हैं कि कुर्सी खाली करो। दिस लेक्चर सीरीज हैज़ नो चेयर पर्सन, मतलब कि आज का भाषण में कोई चेयर पर्सन नहीं है। अवे फ्रॉम द प्लेटफॉर्म मिनिस्टर, लोग बोलते हैं कि हटिए यहाँ से। द चेयर इज सिम्बॉलिक, डोंट यू नो, मतलब कि चेयर सिर्फ सिम्बल दिखाने के लिए है, आपको पता नहीं है। वाट नॉनसेंस, हु एवर हर्ड फॉर पब्लिक लेक्चर विदाउट अ प्रिसाइडिंग डिग्नेटरी, तो लेखक बोल रहे हैं यहाँ पर कि ये क्या बकवास है, बिना कोई चेयरपर्सन के क्या कोई भाषण हो सकता है क्या। प्रोफेसर गेटोंडे वेन टू द माइक, वो माइक के पास आते हैं गेटोंडे, एंड गेव वेन टू हिज व्यूज, और अपना जो बात है वो बोलते हैं क्लियर भाव से, बोलते हैं, देखो कैसे बोलते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन एन अनचेयर्ड लेक्चर इज़ लाइक शेक्सपियर्स हैमलेट विदाउट द प्रिंस ऑफ डेनमार्क, लेट मी टेल यू, बोलते हैं कि भाइयों बहनों कि एक लेक्चर जिसमें चेयरपर्सन ना हो वो ऐसा ही है जैसे कि शेक्सपियर का एक हैमलेट जिसमें प्रिंस ऑफ डेनमार्क ना हो, ठीक है। तो द ऑडियंस वॉज इन नो मूड टू लिसन, लेकिन ऑडियंस को ये सब सुनने का मंजूर नहीं था। लेट अस टेल अस नथिंग, वी आर सिक ऑफ रिमार्क्स, बोलते हैं कि हम लोग को कुछ नहीं सुनना है, हम लोग को ऐसा भाषण नहीं सुनना है, और वोट ऑफ थैंक्स, ये थैंक यू स्पीच नहीं सुनना है, ऑफ लॉन्ग इंट्रोडक्शन, और ये सब कुछ भी नहीं सुनना है। वी ओनली वॉन्ट टू लिसन टू द स्पीकर, हमें सिर्फ जो स्पीकर बोल रहे थे वही सुनना है। वी एबोलिश द ओल्ड कस्टम्स लॉन्ग एगो, ये सब परंपरा हम लोग पहले ही छोड़ के आ चुके हैं। ये सब बात कौन बोल रहा है, पब्लिक बोल रहा है, ऑडियंस बोल रहा है, किसको बोल रहा है, प्रोफेसर गेटोंडे को। कीप द प्लेटफॉर्म एम्प्टी प्लीज, बोला जल्दी खाली कीजिए मंच। बट गंगाधर पंत हैड द एक्सपीरियंस ऑफ स्पीकिंग एट 999 मीटिंग्स, लेकिन इनको एक्सपीरियंस था कितने सभा में ये भाषण दे चुके हैं, 999
बार भाषण दे चुके हैं, ये अंडरलाइन करोगे थोड़ा याद करने वाला बात है ये। एंड इट फेस द पुणे ऑडियंस एट इट्स मोस्ट हॉस्टाइल, और इन्होंने फेस किया ऑडियंस को, अभी काफ़ी गर्म है ऑडियंस यहाँ पर। ही केप्ट ऑन टॉकिंग, और वो बोलते चले गए। ही सून बिकेम अ टारगेट फॉर अ शावर ऑफ टोमेटोज एग्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स, और तुरंत ही वो एक वस्तु बन गए जिन पर क्या फेंका जा रहा था, टमाटर, अंडा और कुछ, ठीक है, सब पब्लिक उसको मारने लगा वहाँ पर। बट ही केप्ट ऑन ट्राइंग वैलियंटली टू करेक्ट दिस सैक्रिलीज, और लेकिन वो बस करते रहे, जो उनको बोलना था वो बोलते रह गए कि चेयरपर्सन का खुली कुर्सी क्या नहीं रहना चाहिए, खाली नहीं रहना चाहिए। फाइनली द ऑडियंस स्वॉर्म्ड टू द स्टेज टू इजेक्ट हिम बॉडीली, अंत में देखा कि ना अंडा का प्रभाव हो रहा है ना टमाटर का प्रभाव हो रहा है, ऑडियंस खुद ही स्टेज पर चढ़कर उनको उठा के बाहर फेंक दिए, ठीक है। एंड इन द क्राउड गंगाधर पंत वॉज नो वेयर टू बी सीन, और फिर गंगाधर पंत वो भीड़ में कहीं भी नहीं थे, बाहर कहीं भी ले जाकर फेंक दिया उसको। तो यहाँ पर अब देखो कहानी, ये तो था दूसरा वर्ल्ड का कहानी खत्म होता है। अब क्या बोला जा रहा है, दैट इज ऑल आई हैव टू टेल राजेंद्र। अब ये लेखक क्या आते हैं, प्रेजेंट में आते हैं अब, ठीक है, बोलते हैं कि राजेंद्र मुझे सिर्फ इतना ही कहना है। तो ऊपर का बात पूरा जो इतना बात था ये बता रहे थे राजेंद्र को, याद है राजेंद्र देशपांडे फर्स्ट में ही मेंशन था। ऑल आई न्यू इज दैट आई वॉज फाउंड इन द आजाद मैदान इन द मॉर्निंग, मुझे सिर्फ इतना ही पता है कि आज हम सुबह कहाँ पर मिले हैं, आजाद मैदान में। बट आई वॉज बैक इन द वर्ल्ड आई एम फेमिलियर विथ, लेकिन हम उस वर्ल्ड में वापस आ गए जिसमें जिससे हम रूबरू है। नाउ वेयर एग्जैक्टली डिड आई स्पेंड दोज टू डेज वेन आई वॉज एबसेंट फ्रॉम हेयर, वो पूछते हैं कि लेकिन हम वो दो दिन कहाँ पे थे, जो हम बोल रहे हैं बार बार दूसरा दुनिया दूसरा वर्ल्ड, वो कहाँ था। राजेंद्र वॉज डम फाउंडेड बाय द नैरेटिव, ये सब सुनकर राजेंद्र काफ़ी हक्का बक्का रह गया। इट टुक हिम अ वाइल्ड टू रिप्लाई, उन्हें कुछ समय लग गया रिप्लाई देने में, और वो रिप्लाई ऐसे देते हैं, प्रोफेसर बिफोर जस्ट प्रायर टू योर कोलिजन विद द ट्रक, लाइक ट्रक से टकराने से पहले व्हाट वर यू डूइंग, तुम कर क्या रहे थे, ट्रक से कौन टकराया है, गेट ओंडे, राजेंद्र आस्क्ड। आई वॉज थिंकिंग ऑफ द कैटास्ट्रोफ थ्योरी एंड इट्स इम्प्लीकेशंस फॉर हिस्ट्री, तो वो रिप्लाई देते हैं कि हम कैटास्ट्रोफ थ्योरी के बारे में सोच रहे थे और उसका हिस्ट्री में क्या प्रभाव है वो सोच रहे थे। अब ये कैटास्ट्रोफ थ्योरी क्या है ये थोड़ी देर में हम बताते हैं, ठीक है, राइट, आई थॉट सो, राजेंद्र स्माइल्ड। राजेंद्र रिप्लाई देते हैं कि हाँ हाँ मुझे भी यही लगा था, तुम इसी के बारे में सोच रहे होगे। डोंट स्माइल स्मगली इन केस यू थिंक इट वॉज जस्ट माई माइंड प्लेइंग ट्रिक्स, बोलता है कि तुम ऐसे इतना सेटिस्फाई हो के मत हंसो, तुम क्या ये सोच रहे हो कि हम दिमाग में ख्याली पुलाव बना रहे हैं, एंड माई इमेजिनेशन रनिंग अमॉक, हम सिर्फ सोच के बोल रहे हैं क्या, तुम ऐसा मत सोचो, लुक एट दिस। और इतना बोलते ही वो पॉकेट से कुछ निकालते हैं, एंड ट्रायम्फेंटली प्रोफेसर गायटोंडे प्रोड्यूस्ड हिज वाइटल पीस ऑफ एविडेंस, अ पेज टर्न आउट फ्रॉम अ बुक, और अपना पॉकेट से वो पेज निकाल के दिखाते हैं। जानते हो वो पेज कौन सा होगा, वो भाकर का बुक का एक पेज होगा, ठीक है। तो राजेंद्र रेड द टेक्स्ट ऑन द प्रिंटेड पेज, वो पेज का टेक्स्ट पढ़ते हैं राजेंद्र, एंड हिज फेस अंडरवेंट अ चेंज, और उनका चेहरा जिसमें अभी संतुष्टि दिख रहा था वो चेंज हो गया अचानक से। गॉन वॉज द स्माइल एंड इन इट्स प्लेस केम अ ग्रेव एक्सप्रेशन, हंसी चला गया और काफ़ी सीरियस हो गए वो। ही वॉज विजिबली मूव्ड, वो काफ़ी हिल चुके थे। गंगाधर पंत प्रेस्ड होम हिज एडवांटेज, तो वो फिर से बोलते हैं, आई हैड इनएडवर्टेंटली स्लेप्ड द भाकर इन माई पॉकेट एज आई लेफ्ट द लाइब्रेरी, बताते हैं राजेंद्र को कि जैसे ही हम लाइब्रेरी छोड़ रहे थे तो वो अनजाने में ही वो भाकर का बुक मेरे पॉकेट में आ गया था, ठीक है। आई डिस्कवर्ड माई एरर व्हेन आई वॉज पेइंग फॉर माई मील, और जब हम अपने खाने का पैसा दे रहे थे तो तब मुझे पता चला कि वो तो बुक मेरे पॉकेट में है। आई हैड इंटेंडेड टू रिटर्न इट इन द नेक्स्ट मॉर्निंग, और मैंने सोच भी लिया था कि अगली सुबह जाके हम क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे। बट इट सीम्स दैट इन द मिली ऑफ आज़ाद मैदान द बुक वॉज लॉस्ट, लेकिन ऐसा लगता है कि वो भीड़ भाड़ में, आज़ाद मैदान का भीड़ भाड़ में मेरा बुक खो गया। ओनली दिस टॉर्न ऑफ पेज रिमेंड, और सिर्फ ये फटा हुआ पेज रह गया मेरे पॉकेट में। एंड लकीली फॉर मी, और किस्मत का बात है कि द पेज कंटेंट्स वाइटल एविडेंस, ये पेज में जो 3-4 लाइन लिखा हुआ है ये मेरे लिए एक अच्छा सबूत है। राजेंद्र अगेन रेड द पेज, राजेंद्र फिर से वो पेज पढ़ते हैं। इट डिस्क्राइब्ड हाउ विश्वास राव नैरोली मिस द बुलेट, उसमें लिखा हुआ है कि विश्वास राव कैसे वो बुलेट से बच गए,
कितना दूरी से वो बच गए थे, एक तील का दूरी से. एंड हाउ डैट इवेंट टेकन एज एन ओमेन बाई द मराठा आर्मी टर्न द टाइड इन देयर फेवर. और ये घटना होते ही मराठा का आर्मी पूरा कॉन्फिडेंस से भर गया और युद्ध को क्या किया, जीत लिया. और यही है कैटास्ट्रोफ थ्योरी. कैटास्ट्रोफ थ्योरी क्या बोलता है कि अगर हालात में थोड़ा सा भी चेंज हो ना, तो इससे क्या होता है कि बिहेवियर में बहुत अचानक बहुत बड़ा चेंज हो जाए. ये बात ही क्या है, कैटास्ट्रोफ थ्योरी है. तो यहाँ पर हालात में क्या चेंज हुआ, गोली हल्का सा मिस कर गया विश्वासराव को, तो सैनिक लोग सोचा कि चलो अब भगवान भी चाहते हैं कि हम लोग जीते. सैनिक लोग का मोरल पूरा बूस्ट हो गया और फिर वो लोग क्या किए, युद्ध जीत गए. फिर देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है. नाउ लुक एट दिस, गंगाधर पंत प्रोड्यूस हिज ओन कॉपी ऑफ बहुसाहेब बांची बाकर. तो इस वर्ल्ड में भी, जो प्रेजेंट वर्ल्ड है, इसमें भी भाकर का बुक इनके पास है, गंगाधर पंत के पास. और वो उस बुक से भी दिखाते हैं कि देखो ये लाइन यहाँ पर भी है, द अकाउंट रैन दस. और उसमें लिखा हुआ था, ऐसे लिखा हुआ था, एंड देन विश्वासराव गाइडेड हिज हॉर्स टू द मिली वेयर द एलाइट ट्रूप्स वर फाइटिंग एंड ही अटैक देम एंड गॉड एक्सप्रेस्ड हिज डिसप्लेजर ही वॉज हिट बाई द बुलेट. और अभी का जो भाकर का बुक है उसमें क्या लिखा हुआ था कि विश्वासराव फिर घोड़े पर बैठ के वो चल पड़े भीड़ में और लड़े, लेकिन भगवान इससे क्या हुआ, निराश हो गए और उनको एक गोली लग गया. आज का बुक में ये लिखा हुआ है, और उस टाइम का बुक में क्या लिखा था कि भगवान का कृपा था कि गोली निकल के बच गया. ठीक है. प्रोफेसर गैतोंडे, यू हैव गिवन मी फूड फॉर थॉट. तो राजेंद्र बोलते हैं कि गैतोंडे तुमने तो मुझे सोच में डाल दिया. अंटिल आई सॉ दिस मटेरियल एविडेंस आई हैड सिंपली पुट योर एक्सपीरियंस डाउन टू फैंटेसी. अभी तक जब तक मैंने ये पेपर नहीं देखा था, तब तक मुझे लग रहा था कि तुम जो भी बोल रहे हो ये तुम्हारा सब कल्पना है. बट फैक्ट्स कैन बी स्ट्रेंजर देन फैंटेसीज. लेकिन अभी जो तुम तथ्य दिखा रहे हो, सबूत दिखा रहे हो, ये तुम्हारे कल्पना से भी काफ़ी अजीब है. एज आई एम बिगनिंग टू रियलाइज, जैसा मुझे समझ में आ रहा है. फैक्ट्स, वॉट आर फैक्ट्स, आई एम डाइंग टू नो, प्रोफेसर गैतोंडे सेड. तो प्रोफेसर गैतोंडे बोलते हैं कि क्या तथ्य है, क्या सबूत है, मुझे ठीक से बताओ, हम मर रहे जानने के लिए. तो इसमें लिखा गया है, राजेंद्र मोशन्ड हिम टू साइलेंस. राजेंद्र उसको चुप करवाते हैं एंड स्टार्टेड पेसिंग द रूम. और रूम में टहलना चालू करते हैं, आगे पीछे टहल रहे हैं, ऑब्वियसली अंडर ग्रेट मेंटल स्ट्रेन. और पूरा सोच में डूबे हुए हैं. कौन? राजेंद्र. फाइनली ही टर्न अराउंड एंड सेड. और तुरंत ही घूम के, अंत में घूम के बोलते हैं, प्रोफेसर गैतोंडे आई विल ट्राई टू रेशनलाइज योर एक्सपीरियंस ऑन द बेसिस ऑफ टू साइंटिफिक थ्योरीज एज नोन टूडे. बोलता है कि हम तुम्हारे साथ जो हुआ है हादसा, उसको हम दो साइंटिफिक थ्योरी के जरिए हम समझाएंगे तुम्हें. वेदर आई सक्सीड और नॉट इन कन्विंसिंग यू ऑफ द फैक्ट ओनली यू कैन जज. और इसमें हम सफल होते हैं कि नहीं, ये सिर्फ तुम बताओगे. फॉर यू हैव इंटेंडेड पास्ट थ्रू अ फैंटास्टिक एक्सपीरियंस और मोर करेक्टली अ कैटास्ट्रोफिक एक्सपीरियंस. और तुम ही बताओगे क्योंकि तुम ही वो हो जो तुम ये एक्सपीरियंस से गुजरे हो, मैं नहीं गुजरा हूँ. और ये एक्सपीरियंस का नाम क्या दे दिया गया है, कैटास्ट्रोफिक एक्सपीरियंस. प्लीज कंटिन्यू राजेंद्र, आई एम ऑल ईयर्स, प्रोफेसर गैतोंडे रिप्लाइड. प्रोफेसर बोलते हैं कि कृपया करके आप बोलिए, बताइए मुझे. राजेंद्र कंटिन्यूड पेसिंग एज ही टॉक्ड. तो जैसे जैसे राजेंद्र बोलते गए, वैसे वैसे वो रूम में टहले जा रहे हैं. यू हैव हर्ड अ लॉट अबाउट द कैटास्ट्रोफ थ्योरी एट दैट सेमिनार. बोला कि तुमने तो कैटास्ट्रोफ थ्योरी के बारे में बहुत चीज़ सुन रखा होगा, लेट अस अप्लाई इट टू द बैटल ऑफ पानीपत. तो चलो वो थ्योरी को बैटल ऑफ पानीपत में अप्लाई करते हैं. वॉर्स फॉट फेस टू फेस ऑन ओपन ग्राउंड्स ऑफर एक्सलेंट एग्जाम्पल ऑफ दिस थ्योरी. तो वो युद्ध जो ग्राउंड पर लड़े जाते हैं फेस टू फेस, उसमें ये कैटास्ट्रोफ थ्योरी काफ़ी अच्छे तरीके से देखने को मिलता है. द मराठा आर्मी वॉज फेसिंग अब्दालीज ट्रूप ऑन द फील्ड ऑफ पानीपत. पानीपत का युद्ध में मराठा लोग किसको फेस कर रहे थे, अब्दाली. ठीक है, दो अपोनेंट थे, एक मराठा एक अब्दाली. द मराठा आर्मी वो, ये तो हो गया. देयर वॉज नो ग्रेट डिस्पैरिटी बिटवीन द लेटर ट्रूप्स एंड द अपोजिंग फोर्सेस. दोनों का आर्मी में कोई ज़्यादा अंतर नहीं था. देयर आर्मर वॉज कंपेरेबल, और दोनों का हथियार भी एकदम सेम था. सो अ लॉट डिपेंडेंट ऑन द लीडरशिप. तो सिर्फ सारा खेल किसका था, लीडरशिप का खेल था एंड द मोरल ऑफ द ट्रूप्स, और आत्मविश्वास का खेल था दोनों का. द जंक्चर एट विच विश्वास राव द सन ऑफ एंड एयर टू द पेशवा वॉज किल्ड प्रूव टू बी द टर्निंग पॉइंट. और जिस क्षण में विश्वास राव को गोली लग गया, असली में गोली लगा, ठीक है, और वो मर गया, वही गोली लगना ही टर्निंग पॉइंट था ये युद्ध का. एज हिस्ट्री हैज इट हिज अंकल बाहू भाऊ साहेब रज्ड
इनटू द मिली एंड वाज नेवर सीन अगेन। और जैसा कि हिस्ट्री में लिखा गया है, जैसे ही विश्वास राव को गोली लगता है, भाऊ साहब क्या होते हैं, भीड़ में घुस जाते हैं और फिर नहीं देखने को मिलते हैं। भाऊ साहब भी शायद वहाँ पर मर जाते हैं। वेदर ही वॉज किल्ड इन बैटल और सर्वाइव इज नॉट नोन। वो मर गए कि जिंदा है हमें पता नहीं, किसी को पता नहीं। बट फॉर द ट्रूप्स एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट दैट ब्लो ऑफ लूजिंग देयर लीडर वर क्रूशियल। लेकिन उनके जितने भी सैनिक थे, उनका दिमाग में क्या बैठ गया कि हमारा राजा मर चुका है, और सभी सैनिक क्या किए, मन ही मन में हार मान लिए। दे लॉस्ट देयर मोरल एंड फाइटिंग स्पिरिट, लड़ना छोड़ दिए। दे आर फॉलोड एन अटर आउट, और तभी उनका हार हो जाता है। तो ये पूरा चीज़ क्या था, कैटास्ट्रोफिक थ्योरी को अप्लाई किया गया है। एग्जैक्टली प्रोफेसर, एंड और बोलते हैं कि यही तुम्हारे साथ भी हुआ, यही हुआ है। एंड वॉट यू हैव शोन मी ऑन डैट टॉन पेज इज द कोर्स टेकन बाई द बैटल वेन द बुलेट मिस्ड विश्वास राव। और तुमने जो अभी मुझे पॉकेट से पेज निकाल के जो दिया है, वो दिखाता है कि अ क्रूशियल इवेंट गॉन द अदर वे, ये इवेंट दूसरी तरफ चला गया। मतलब एट दिस इफेक्ट ऑन द ट्रूप्स वॉज ऑल्सो द ऑपोजिट। तुमने जो पेपर दिखाया उसमें क्या लिखा हुआ है, गोली लगा कि नहीं लगा, नहीं लगा। तो इससे क्या हुआ, जो ट्रूप्स था, सैनिक था, उनका क्या हो गया, मोरल अब काफ़ी ऑपोजिट हो गया, मतलब अब बूस्ट हो गया वो, और वो प्रोवाइडेड एक्स्ट्रा फोर्स मिल गया इन लोगों को। और ये इसी का सारा खेल था, राजेंद्र सेठ। मे बी सो सिमिलर स्टेटमेंट्स आर मेड अबाउट द बैटल ऑफ वाटरलू विच नेपोलियन कुड हैव वन। तो ठीक है, तो गैटोंडे बोलते हैं कि ऐसा ही बात तो हम लोग बैटल ऑफ वाटरलू में भी लगा सकते हैं, जो नेपोलियन जीत सकता था। अगर ऐसा होता तो नेपोलियन भी जीत लेता। बट वी लिव इन अ यूनिक वर्ल्ड विच हैज़ अ यूनिक हिस्ट्री। लेकिन हम एक अजीब दुनिया में रहते हैं, एक अलग ही हिस्ट्री है हमारा। दिस हिस्ट्री ऑफ इट माइट हैव बीन इज ओके फॉर द सेक ऑफ स्पेकुलेशन बट नॉट फॉर रियलिटी। तो ये जो बोलना कि ऐसा होता तो ऐसा हो सकता था, ये सिर्फ अंदेशा लगाने के लिए है, रियलिटी में ये सब काम नहीं करता है। गंगाधर पंत सेड। तो प्रोफेसर यही बोले, आई टेक इश्यू विथ यू देयर। तो राजेंद्र बोलते हैं कि इसमें मुझे आपत्ति है तुमसे। इनफैक्ट दैट ब्रिंग्स मी टू माई सेकेंड पॉइंट विच यू मे फाइंड स्ट्रेंज। और यही मुझे दूसरा वो शुरू में बोले थे ना कि दो साइंटिफिक थ्योरी से एक्सप्लेन करेंगे, एक थ्योरी क्या आ गया, कैटास्ट्रोफ थ्योरी, दूसरा आप बोलने वाले हैं। बट प्लीज़ हियर मी आउट, मुझे सुनो ठीक से, राजेंद्र बोलते हैं। गंगाधर पंत लिसेंट एक्सपेक्टेंटली एज राजेंद्र कंटिन्यूड। वो काफ़ी ध्यान से सुनने लग गए। वट डू यू मीन बाई रियलिटी, मतलब कि रियलिटी से तुम क्या समझते हो, वास्तविकता से। वी एक्सपीरियंस इट डायरेक्टली विथ आवर सेंसेस और इनडायरेक्टली विया इंस्ट्रूमेंट। हम रियलिटी, वास्तविकता, क्या तो अपने इंद्रियों से देखते हैं, आँख कान ठीक है ये सब से देखते हैं, समझते हैं, या फिर कोई इंस्ट्रूमेंट से, टीवी रेडियो ये सब से देखते हैं, इंटरनेट से। बट इज़ इट लिमिटेड टू वॉट वी सी, तो क्या सिर्फ देखना से ही जो देखते हैं वही क्या रियलिटी है। डज इट हैव अदर मैनिफेस्टेशंस, क्या रियलिटी का कोई दूसरा भी रूप है क्या, ये पूछते हैं सवाल। दैट रियलिटी मे नॉट बी यूनिक एज हैज़ बीन फाउंड फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट्स ऑन वेरी स्मॉल सिस्टम्स ऑफ एटम्स एंड देयर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। बोलता है कि वास्तविकता सिर्फ एक ही नहीं है, और ये चीज़ कहाँ देखने को मिला है, छोटे स्केल पर देखने को मिला है। जैसे कि एक एटम, एटम समझते हो, एटम का अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटोन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं बाहर वाले, उसको क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं ना, कक्ष हिंदी में बोलते हो, जिसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं, एन का वैल्यू 1, 2, 3 ठीक है। तो वहाँ पर देखने को मिलता है कि वास्तविकता एक चीज़ नहीं है। When dealing with such system, जब हम एक एटम को देखते हैं तो the physicist discovered something startling। जो फिजिसिस्ट लोग जो है, फिजिक्स के एक्सपर्ट, वो लोग कुछ अलग चीज़ उनको देखने को मिलता है। The behavior of these systems cannot be predicted definitely even if all the physical laws governing those systems are known। फिजिक्स के जितने भी रूल है, जितने भी लॉ है, सब लगा दो उस एटम में, लेकिन फिर भी हम लोग उसका बिहेवियर समझ नहीं पाएंगे, वो कैसे बिहेव करेगा। ठीक है, टेक एन एग्जाम्पल, और एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। जैसे कि आई फायर एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ सोर्स, कि मान लो हम एक कोई चीज़ से इलेक्ट्रॉन फायर करते हैं, इलेक्ट्रॉन को भेजते हैं यहाँ पर, वेयर विल इट गो, वो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा। इफ आई फायर अ बुलेट फ्रॉम अ गन इन अ गिवन डायरेक्शन एट अ गिवन स्पीड आई नो वेयर इट विल बी एट अ लेटर टाइम। तो दो चीज़ से तुलना करते हैं, एक जगह से मान लो क्या छोड़ा गया, इलेक्ट्रॉन, पूछते हैं कहाँ जाएगा इलेक्ट्रॉन, और एक जगह से छोड़ा गया बंदूक का गोली, वो कहाँ जाएगा। तो बोलते हैं कि मुझे बंदूक का गोली पता है कि वो कहाँ जाके टकराएगा, कहाँ रुक जाएगा, किस दिशा में जाएगा, सब पता है गोली के बारे में। बट इट कैन नॉट मेक सर्च एन
बट आई कैन नॉट मेक सच एन एसर्शन फॉर द इलेक्ट्रॉन. लेकिन यही बात इलेक्ट्रॉन के लिए सच नहीं है. कहाँ जाएगा कितना भी लॉ लगा लो पता नहीं चल पाएगा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा. इट मे बी हेयर देयर एनीवेयर, कहीं भी जा सकता है. आई कैन एट बेस्ट कोट ओट्स फॉर इट बींग फाउंड इन अ स्पेसिफाइड लोकेशन एट अ स्पेसिफाइड टाइम. हम अपना बेस्ट देंगे तो मुझे सिर्फ इतना ही पता चलेगा कि एक खास समय पर वो कहाँ मिलेगा, सिर्फ हम उतना ही बता पाएंगे. तो प्रोफेसर बोलते हैं गैटोंडे की द लैक ऑफ डिटर्मिनिज्म इन क्वांटम थ्योरी. तो दूसरा जो साइंटिफिक थ्योरी था वो यही है, ठीक है. क्वांटम थ्योरी में कुछ चीज़ हम डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, जैसे उतना डिटेल में नहीं जाते हैं इसको, और आगे देखते हैं. सब साइंस का पार्ट है ये. इवन एन इग्नोरेमस हिस्टोरियन लाइक मी हैज़ हर्ड ऑफ इट. बोलता है कि इस थ्योरी के बारे में तो मेरे जैसे इग्नोरेंट इंसान भी जानते हैं, प्रोफेसर गैटोंडे सेड. सो इमेजिन मैनी वर्ल्ड पिक्चर. तो राजेंद्र बोलते हैं कि इसी तरीके से इमेजिन करो दुनिया के अलग अलग रूप. इन वन वर्ल्ड द इलेक्ट्रॉन इज फाउंड हेयर, इन अनदर इट इज़ फाउंड ओवर देयर. एक वर्ल्ड में इलेक्ट्रॉन का स्थिति कहीं और है, दूसरे वर्ल्ड में इलेक्ट्रॉन का स्थिति कहीं और है. इन येट अनदर इट इज इन अनदर स्टिल डिफरेंट लोकेशन. और दूसरे वर्ल्ड में और अलग कहीं अलग स्थिति है. वंस द ऑब्जर्वर फाइंड्स वेयर इट इज, वी नो विच इलेक्ट्रॉन विच वर्ल्ड वी आर टॉकिंग अबाउट. और जब एक ऑब्जर्वर को पता चल जाता है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, उसको पता चल जाता है कि वो देश वो वर्ल्ड कौन सा है. ये सब बात आगे क्लियर होने वाला है, ठीक है. बट ऑल दोज अल्टरनेटिव अल्टरनेटिव वर्ल्ड कुड एग्जिस्ट जस्ट द सेम. राजेंद्र पॉज टू मार्शल हिज थॉट और बोलते हैं कि ये जो अलग अलग वर्ल्ड है वो सब एक ही जैसे होते हैं. और इतने देर पर राजेंद्र रुक जाते हैं और सोचने लगते हैं क्या बोले, अब अरेंज करते हैं अपने थॉट्स को. बट इज देयर एनी कॉन्टैक्ट बिटवीन दोज मैनी वर्ल्ड्स, प्रोफेसर गैटोंडे आस्क्ड. तो गैटोंडे पूछते हैं कि इतने सारे जो वर्ल्ड है क्या इन सभी वर्ल्ड में क्या कोई कनेक्शन है क्या. तो वो रिप्लाई देते हैं येस एंड नो, मतलब हाँ भी और ना भी, कनेक्शन हो भी सकता है नहीं भी. इमेजिन टू वर्ल्ड्स, आप दो वर्ल्ड को इमेजिन करो. फॉर एग्जाम्पल इन बोथ एन इलेक्ट्रॉन इज ऑर्बिटिंग द न्यूक्लियस ऑफ एन एटोम. और दोनों में मान लो कि एक इलेक्ट्रॉन घूर रहा है एक न्यूक्लियस के आसपास, ठीक है. लाइक प्लैनेट्स अराउंड द सन, गंगाधर इंटरजेक्टेड. तो गंगाधर बोलते हैं कि जैसे कि सन के आगे पीछे कौन, ये चारों तरफ कौन घूमता है, प्लैनेट्स, वैसे इमेजिन करें क्या. तो वो राजेंद्र बोलते हैं नॉट क्वाइट. बोले ना वैसे इमेजिन मत करो. वी नो द प्रिसाइज ट्रैजेक्टरी ऑफ द प्लैनेट. क्यों वैसा इमेजिन ना करो, क्योंकि हमें पता है कि सन के आसपास प्लैनेट कैसे घूमेगा, प्लैनेट का रास्ता पता है हमें. द इलेक्ट्रॉन कुड बी ऑर्बिटिंग इन एनी ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ स्पेसिफाइड स्टेट. लेकिन एक इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के आसपास घूर रहा है वो पता नहीं कौन सा सेल में घूर रहा है, वो पता नहीं हमें, समझ रहे हो. दिस स्टेट्स में बी यूज टू आइडेंटिफाई द वर्ल्ड. और ऐसा ही मान लो कि जैसे कि न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होता है, सेल होता है ना सेल, तो वैसे ही मान लो वो हर एक सेल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक तो वर्ल्ड रिप्रेजेंट कर रहा है. इन स्टेट नंबर वन, पहला नंबर सेल में, पहला नंबर स्टेट में वी हैव द इलेक्ट्रॉन इन द स्टेट ऑफ हायर एनर्जी. जो सबसे पास में जो न्यूक्लियस का जो सेल होता है उसमें इलेक्ट्रॉन का एनर्जी क्या होता है, हाइएस्ट होता है. इन स्टेट नंबर टू इट इज़ अ एनर्जी ऑफ लोअर एनर्जी, इट इज़ अ स्टेट ऑफ लोअर एनर्जी. और दूसरा स्टेट में क्या होता है, एनर्जी लो होता है. इट कैन मेक अ जंप फ्रॉम हाई टू लो एंड सेंड आउट अ पल्स ऑफ रेडिएशन. और जब एक इलेक्ट्रॉन पास वाले सेल से दूसरे वाले सेल में जब जंप करता है ना, तो एक टाइप का रेडिएशन छोड़ता है, ठीक है. और सच ट्रांजिशंस और अ पल्स ऑफ रेडिएशन कैन नॉक इट आउट ऑफ स्टेट नंबर टू इन टू स्टेट नंबर वन. और अगर बाहर से रेडिएशन दे भी देना तो, और अगर रेडिएशन बाहर से अंदर दे दो तो वो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, टू से वन में आ जाएगा. जब वन से टू में जाता है तो रेडिएशन छोड़ता है, लेकिन जब रेडिएशन बाहर से दे दो तो क्या हो जाएगा, टू से वन में आ जाएगा. सच ट्रांजिशन आर कॉमन इन माइक्रोस्कोपिक लेवल. तो छोटे स्तर में इस टाइप के ट्रांजिशन बदलाव होते रहते हैं, जंप होना. और यहाँ पर ये स्टेट को किसे कंपेयर करना है, बड़े लेवल पर वर्ल्ड से कंपेयर करना है, एक वर्ल्ड दूसरा वर्ल्ड तीसरा वर्ल्ड. What if happened on a macroscopic level? राजेंद्र आक्स तो बोलता है कि अगर यही चीज़ बड़े स्तर पर हो जाए तब क्या होगा. I get you. तब गंगाधर पंत बोलते हैं कि मुझे समझ में आ गया. You are suggesting that I made a transition from one world to another and back again. गंगाधर पंत आक्स्ट बोलता है कि इसका मतलब आप मुझे ये बोल रहे हैं कि हम भी ट्रांजिशन किए एक वर्ल्ड से दूसरे वर्ल्ड में और फिर वापस आ गए.
फंटास्टिक दो इट सीम्स देर इज़ ओनली वन एक्सप्लेनेशन आई कैन ऑफर, बोलता है कि हाँ मुझे तो एक ही एक्सप्लेनेशन मुझे नज़र आ रहा है। माय थ्योरी इज़ डैट कैटास्ट्रोफिक सिचुएशंस ऑफर रेडिकली डिफरेंट अल्टरनेटिव्स फॉर द वर्ल्ड टू प्रोसीड। इट सीम्स डैट सो फार एज रियलिटी इज़ कंसर्न ऑल अल्टरनेटिव्स आर वायबल बट द ऑब्जर्वर कैन एक्सपीरियंस ओनली वन ऑफ देम एट अ टाइम। तो ऐसा लगता है कि एक बार में बहुत सारा रियलिटी है। शुरू शुरू में पूछा गया था रियलिटी क्या एक ही तो होता है, ना वास्तविकता बहुत सारा चीज़ है और एक इंसान एक बार में एक ही वास्तविकता को एक्सपीरियंस कर सकता है। मतलब बोलने का मतलब है कि ये वर्ल्ड तो है, ऐसा ही वर्ल्ड एक और कहीं एग्जिस्ट कर रहा है, पता नहीं वो है कि नहीं है, सिर्फ गेस किया जा रहा है कि नहीं है, ठीक है। और एक इंसान एक बार में एक ही वर्ल्ड में रह सकता है। फिर देखते हैं, बाई मेकिंग अ ट्रांजिशन यू आर एबल टू एक्सपीरियंस टू वर्ल्ड्स ऑल द वन एट अ टाइम। और तुमने ट्रांजिशन कर लिया, तुम एक ही बार में दो वर्ल्ड को एक्सपीरियंस करके आए हो तुम। द वन यू लिव इन नाउ, एक में तो तुम अभी रह रहे हो, एंड द वन वेयर यू स्पेंड टू डेज, और एक वो था जिसमें तुम दो दिन रह के आए हो। वन हैज़ द हिस्ट्री वी नो, एक का हिस्ट्री हम जानते हैं, एंड द अदर हैड अ डिफरेंट हिस्ट्री, और दूसरे वाले का हिस्ट्री क्या था, एकदम अलग था। द सेपरेशन टुक प्लेस इन द बैटल ऑफ पानीपत, और वो दोनों का हिस्ट्री अलग कहाँ पर हुआ, पानीपत का लड़ाई पर। यू नीड ट्रैवल टू द पास्ट नॉट टू द फ्यूचर, यू आर इन द प्रेजेंट बट एक्सपीरियंसिंग अ डिफरेंट वर्ल्ड। ना ही तुम पास्ट में गए और ना ही तुम फ्यूचर में गए, तुम प्रेजेंट में ही थे लेकिन एक डिफरेंट वर्ल्ड में थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है ये, ठीक है। ऑफकोर्स बाई द सेम टोकन देयर मस्ट बी मैनी मोर डिफरेंट वर्ल्ड अराइजिंग आउट ऑफ बाइफर्केशन एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम। तो इसी बात से हम बोल सकते हैं कि बहुत सारा वर्ल्ड है यहाँ पर जो डिफरेंट डिफरेंट टाइम पर अलग हुए होंगे। एज राजेंद्र कंक्लूडेड, तो राजेंद्र जब अपना बात को ख़त्म कर रहे हैं, गंगाधर पंत आस्क द क्वेश्चन दैट वॉज बिगनिंग टू बॉदर हिम मोस्ट। तो गंगाधर पंत एक सवाल पूछते हैं जो उनको काफ़ी परेशान कर रहा था, बट वाई डिड आई मेक द ट्रांजिशन, बोलते हैं कि सिर्फ हमें क्यों ट्रांजिशन किए, बाकी को लोग क्यों नहीं किया। तो वो जवाब देते हैं, इफ आई न्यू द आंसर आई वुड सॉल्व अ ग्रेट प्रॉब्लम, लेकिन इसका जवाब अगर मुझे पता होता तो हम बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके होते। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यपूर्ण, देर आर मेनी अनसॉल्व क्वेश्चन इन साइंस एंड दिस इज वन ऑफ देम। साइंस में बहुत सारे अनसुलझे क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन भी उनमें से एक है, इसका जवाब मेरे पास नहीं है। बट दैट डज नॉट स्टॉप मी फ्रॉम गेसिंग, लेकिन ये मुझे गेस करने से नहीं रोक सकता, हम गेस जरूर करेंगे, ठीक है। तो देखो क्या गेस करता है, राजेंद्र स्माइल एंड प्रोसीडेड, और वो मुस्कुराता है और बोलने चालू करता है, यू नीड सम इंटरेक्शन टू कॉज अ ट्रांजिशन, कुछ इंटरेक्शन होना चाहिए तब ट्रांजिशन होगा। परहैप्स एट द टाइम ऑफ कोलिजन यू वर, अब यहाँ से मेन पार्ट शुरू हो रहा है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये। एट द टाइम ऑफ कोलिजन, जब तुम टकराए थे क्या चीज़ से, पत्थर से, ट्रक से, कौन, जब ट्रक से टकराए थे, ट्रेन से नहीं, हाँ जब ट्रक से टकराए थे, तो यू वर थिंकिंग अबाउट द कैटास्ट्रोफ थ्योरी, तब तुम किसके बारे में सोच रहे थे, कैटास्ट्रोफ थ्योरी के बारे में सोच रहे थे, एंड इट्स रोल इन वॉर्स, और उसका रोल क्या है युद्ध सब में। मे बी यू आर वंडरिंग अबाउट द बैटल ऑफ पानीपत, हो सकता है कि तुम बैटल ऑफ पानीपत के बारे में सोच रहे हो, ये गेस कर रहा है, कौन गेस कर रही है, राजेंद्र। परहैप्स न्यूरोन्स इन योर ब्रेन एक्टेड एज अ ट्रिगर, और हो सकता है कि तुम्हारे दिमाग का कोई नसूस कुछ हुआ होगा, ठीक है। अ गुड गेस, गंगाधर बोलते हैं कि क्या बढ़िया गेस किया तुमने, हाँ। आई वॉज इंडीड वंडरिंग वॉट कोर्स हिस्ट्री वुड हैव टेकन इफ द रिजल्ट ऑफ द बैटल हैड गॉन टू द अदर वे। प्रोफेसर गेटोंडे सेड, बोलते हैं कि हम यही सोच रहे थे, हम सोच रहे थे कि हिस्ट्री का हाल क्या होता, आज देश कैसा होता अगर बैटल ऑफ पानीपत मराठा जीत गया होता, तो हम यही सोच रहे थे और यही हुआ भी उस दूसरे वर्ल्ड में जाके। तो दैट वॉज गोइंग टू बी द टॉपिक ऑफ माई 1000th प्रेसिडेंशियल एड्रेस, और यही चीज़ मेरा टॉपिक भी था मेरा 1000वें भाषण में। 999 भाषण तो पहले दे चुका था, लेकिन एक भाषण और दे चुका है दूसरे वर्ल्ड में, वो ना जिसमें उसको फेंका गया था उठा के, लेकिन असली दुनिया में तो अभी भी 1000वां अभी होने वाला है। अब देखो, नाउ यू आर इन द हैप्पी पोजिशन ऑफ रिकाउंटिंग योर रियल लाइफ एक्सपीरियंस रादर देन जस्ट स्पेकुलेटिंग, राजेंद्र लाफ। तो राजेंद्र हंसते हुए बोलते हैं कि चलो अब तुम्हारे पास बोलने के लिए बहुत चीज़ है, वो चीज़ तुम बोल सकते हो जो तुम असली में एक्सपीरियंस किए हो, नहीं तो सिर्फ गेस कर करके बोलते रहे होते तुम, ठीक है ना। अब देखो, बट गंगाधर पंत वॉज ग्रेव, लेकिन इतना सुनते ही गंगाधर पंत हंसा नहीं, उसका चेहरा पे काफ़ी सीरियसनेस आ गया। वो बोला, नो राजेंद्र, माई 1000th एड्रेस वॉज मेड ऑन द आज़ाद मैदान, मतलब कि नहीं राजेंद्र,
मेरा हज़ारवा जो स्पीच था वो आज़ाद मैदान में हो चुका, व्हेन आई वाज सो रूडली इंटरप्टेड, जहाँ पर मुझे बहुत बुरी तरीके से रोका गया। नो द प्रोफेसर गायतोंदे हु डिसअपियर्ड वाइल डिफेंडिंग हिज चेयर ऑन द प्लेटफॉर्म विल नाउ नेवर बी सीन प्रिसाइडिंग एट अनदर मीटिंग। बोलता है कि वो प्रोफेसर गायतोंदे जो चेयर बजाते बजाते गायब हो गया, वो फिर से भाषण अब नहीं देगा। आई हैव कन्वेड माई रिग्रेट्स टू द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ द पानीपत सेमिनार। मैंने अपना खेद व्यक्त कर दिया है ऑर्गेनाइजर्स लोग को। और वो किस सेमिनार में भाषण देने वाला था? पानीपत सेमिनार में भाषण देने वाला था, ठीक। वो भाषण नहीं देगा, लेकिन हज़ारवा भाषण क्या उसका हो चुका है? हाँ हो चुका है, वो दूसरे वर्ल्ड में हो चुका है। तो उस वर्ल्ड में क्या था, मराठा जीत गया था थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, और वहाँ का हिस्ट्री एकदम ही अलग था। ब्रिटिश का पावर एकदम ही सीमित कर रह गया था सिर्फ बॉम्बे तक, लेकिन ओरिजिनल में कुछ और ही हुआ था। ब्रिटिश का पावर लगातार बढ़ रहा था। यही था स्टोरी, स्टोरी यहीं पे एंड होता है।